हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदीप बरवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑन टॉप टॉक। दोस्तों, किया मोटर की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, जिसे कस्टमर्स का इंडिया में बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। और इसके 7 सीटर मॉडल पे कंपनी बहुत ही जोरों शोरों पे काम कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8 अप्रैल 2021 को सबसे पहले इंडोनेशिया में 7 सीटर वेरियंट को लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद इसे इंडिया में भी लॉन्च कर सकती है कंपनी। हालांकि कंपनी द्वारा इसे इंडिया में लाए जाने की कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 के शुरुआत में इसे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। किया मोटर की सिस्टर कंसर्न हुंडई भी अपने 7 सीटर एसयूवी अल्काज़ार को 6 अप्रैल 2021 को ग्लोबली अनवील करने वाली है और इंडिया में इसे मई तक लॉन्च किया जाना है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं किया सोनेट के 7 सीटर वर्जन भी इंडिया में लॉन्च हो सकती है, जिसे इंडोनेशिया में 8 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया जाना है। जहां तक डाइमेंशंस की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किया सोनेट की जो लेंथ है 3995 mm है, वहीं 7 सीटर किया सोनेट की जो लेंथ होगी दोस्तों वो होगी 4120 mm। जी हाँ दोस्तों, जो कि मौजूदा किया सोनेट से पूरे 125 mm लॉन्गर होगी 7 सीटर वर्जन। किया सोनेट के 7 सीटर वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा 6 और 7 सीटर के कॉन्फ़िगरेशन में सीटिंग अरेंजमेंट, और इसमें 6 सीटर वेरिएंट में आपको मिडिल रो में कैप्टन सीट देखने को मिलेगा हुंडई अल्काज़ार की तरह। किया सोनेट की तरह ही इसके सेंटर कंसोल में आपको देखने को मिलेगा लार्ज फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करने वाला है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को, और वहीं इसमें यूवीओ कनेक्टेड फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। किया सोनेट की तरह ही इसमें टेक लाइन और जीटी लाइन आपको वेरिएंट देखने को मिलेगा। वहीं इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड सीट्स के साथ, और इसके सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर, और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड सीबीटी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और वहीं इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको किया सोनेट की तरह ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो 3 स्पोक टिल्टेबल लेदर रैप्ड पियानो ब्लैक फिनिश में आपको स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम में, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। टिल्टेबल के साथ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील भी आपको दिए जा सकते हैं किया सेल्टोस की तरह ही। मौजूदा 5 सीटर किया सोनेट में आपको प्रोवाइड किया गया है इलेक्ट्रिक सनरूफ, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, लेकिन 7 सीटर वेरिएंट में आपको दिए जा सकते हैं पैनोरमिक सनरूफ, जो कि आजकल का एक ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है। 7 सीटर वेरिएंट में आपको करंट वेरिएंट की तरह ही रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट और एयर प्योरीफायर, और रियर सीट्स में आपको रूफ माउंटेड एसी वेंट देखने को मिलेगा। जहां तक डैशबोर्ड लेआउट की बात करें तो करंट वेरिएंट की तरह ही रहने वाले हैं, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। जहां तक इंजन की बात करें तो आपको इसमें दिया जा सकता है BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया जा सकता है। जहां तक बूट स्पेस की बात करें तो किया सोनेट में आपको करंट वेरिएंट में मिलते हैं 392 लीटर का बूट स्पेस, लेकिन 7 सीटर वेरिएंट में आपको काफी रिड्यूस्ड बूट स्पेस आपको देखने को मिले। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 6 एयरबैग, ABS-CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, मल्टी ड्राइव मोड्स, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक हेडलैम्प यूनिट, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, प्रीटेस्टर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेगा। अगर ये इंडिया में लॉन्च होती है तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रहने वाली है 12 लाख टू 18 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इसका सीधा सीधा मुकाबला होने वाली है 7 सीटर हुंडई अल्काज़ार MG की 7 सीटर SUV हेक्टर प्लस एंड टाटा की 7 सीटर SUV टाटा सफारी से होने वाली है।
ये थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट किया मोटर की अपकमिंग 7-सीटर एसयूवी किया सोनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में रोजाना यूं ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।